नमस्कार। अभी वैसे राहुल ने बड़ा वर्णन किया, 5 साल पहले मैं जब आया था और शायद उस समिट की तारीख या घटना आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और मैं मानता हूं जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी थी 2019 और माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, आपकी समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डिबेट का माहौल बना हुआ है और मैं मानता हूं लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देश में भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है, हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है औरंगजेब कहकर नवाजा गया है।
मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। 2600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, करीब 97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ वोटर्स, करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर ये हर भारतीय के लिए यहां इस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए और आपके टीवी के दर्शकों के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है। साथियों, आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है। और इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, बट नहीं है, नो इफ नो बट्स। आखिर ऐसा क्यों है? कोई सवालिया निशान नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और लोग चाहे विपक्ष में हो, देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है, फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही।
और नीयत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नीयत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। साथियों, 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये चर्चा देश की साख से जुड़ी है। जिस देश की साख गिर रही हो, उस देश के लोगों का स्वाभिमान भी ऊंचा नहीं रह सकता। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी। लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार इसलिए भी अधिक था क्योंकि सरकारी दफ्तर, सर्विस सेंटर बनने के बजाय पावर सेंटर बन गए थे। हर काम के लिए देशवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
हमने सरकारी दफ्तरों को सत्ता के बजाय सेवा का केंद्र बनाया। सरकारी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा फेसलेस हो, बिल से लेकर टैक्स जमा करने तक की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो, हमने इसका प्रयास किया। आज सरकार की ज्यादातर खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से होती है। आज सरकार के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। आप याद करिए, 2G जैसी सामान्य सुविधा के लिए पहले की सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अगर उस दौर में 5G आता तो पता नहीं ये क्या क्या करते। साथियों, पहले के समय में भ्रष्टाचारी बहुत दिमागी तिकड़म लगाते थे। हमारी सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज टेक्नोलॉजी से भी कर रही है। आज भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ आसान हुई है। आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं, और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं, कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं, कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नियत सही तो काम सही। साथियों, आप में से जो सीनियर है उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब गांव के गरीब तक पहुंचता है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ये सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। अगर पहले वाला हाल होता और 1 रुपया और 15 पैसे वाली थियरी होती तो 27-28 लाख करोड़ रुपए गरीबों तक कभी पहुंचते ही नहीं, कहीं और चले जाते। 27-28 लाख करोड़, अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी, वो लोग जिनका कभी जन्म नहीं हुआ था लेकिन कागजों पर वो जिंदा थे, योजनाओं के हकदार बन गए थे। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए। इसका मतलब उसका बेनिफिट लेने वाले लोग क्या मोदी का जय जयकार करेंगे क्या? आप हैरान हो जाएंगे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, उसको हमने हटाया। आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा घोटाला था, गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था। आज इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति को उस गरीब का चेहरा याद करना चाहिए
जिसे राशन की जरूरत थी, जिसे राशन मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था। वो गरीब सरकार को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था। आज हमारी सरकार में उसी गरीब को वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है। आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। मेरे लिए भी गालियां। वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है, फिर एक बार साथियों, हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अपनी गवर्नेंस को गरीब की गरिमा, गरीब के कल्याण और गरीब के सशक्तिकरण पर केंद्रित रखा है। खुले में शौच करना, सड़क पर सोना, गंदा पानी पीना, धुएं में जीवन बिताना, अंधेरे में रहना, ये जीवन कोई शौक से नहीं जीता था। परिवार का सदस्य बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हो, मदद के बदले ठोकरें मिलती हो, कोई रास्ता न सूझे, यही स्थिति थी। आप सोचिए आए दिन अपमान कैसे कितने घूंट गरीबों को पीने पड़ते थे। यहां बैठे बहुत से शायद जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा जीवन था, लेकिन मैं ये सब कुछ अनुभव करके यहां पहुंचा हूं। मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं, इसलिए मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता और न ही कैमरा के माध्यम से वीडियो शूट करके देखना पड़ता है। और इसलिए हमारी सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है उनमें आपको गरीब के सामान्य जन के इस दुख दर्द का भी इलाज मिलेगा। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूछा है। साथियों, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एक बैंक खाता खोलने के लिए भी गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। लोन की बात तो छोड़ दीजिए, देश के एक बड़ी आबादी जो भूमिहीन थी उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। 80% से अधिक किसान जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था। करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे क्योंकि उनके पास भी गारंटी नहीं थी। जिनके पास किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं उनकी गारंटी मोदी ने ले ली। इसी भावना ने मुद्रा योजना को जन्म दिया। इसके तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हमने बिना गारंटी गरीब युवाओं को दिए हैं। इसी भावना ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान को गति दी जिससे आज 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। इसी भावना ने रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को जन्म लिया। इसी भावना ने हाथ के कौशल से आजीविका कमाने वालों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को जन्म दिया। इसी भावना से छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को जन्म दिया। इसके तहत उन्हें करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कल्पना कीजिए, अगर नियत न होती, मोदी की गारंटी न होती तो क्या होता।
आज जो ये मोदी की गारंटी का इतना सकारात्मक प्रभाव है वो किसी विज्ञापन की मोहताज नहीं है। मोदी उस गरीब की गारंटी बना है जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता था। इसलिए देश का हर गरीब आज मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। और मैं फिर कहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, हमारे देश में लंबे समय तक राजनीतिक उपेक्षा का बहुत बड़ा शिकार देश का मिडिल क्लास भी रहा है। आप में से ज्यादातर मेरी बात से को रिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। लेकिन मिडिल क्लास के सामने पहले चुनौतियां भी कम नहीं थी। टैक्स का जंजाल, बच्चों की पढ़ाई का दायित्व, उन्हें अपने से बेहतर बनाने का तनाव, हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, महंगे लोन का बोझ, एक तरह से पहले जीवन के हर दायरे में समस्याएं ही समस्या थी। ऐसे में मिडिल क्लास का जीवन तीन जरूरतों के इर्द गिर्द सिमट जाता था। एक, अपना घर बनाना, दूसरा बच्चों की शादी हो जाए, और तीसरा बच्चों को कहीं नौकरी मिल जाए। उसका जीवन बस इसी आधार पर सिमट जाता था। पिछले 10 वर्षों में हमने मिडिल क्लास को मुसीबतों में बांधने वाली हर बेड़ी को तोड़ दिया है। पहले 2 लाख की इनकम पर टैक्स लग जाता था, अब 7 लाख की इनकम भी टैक्स फ्री है। जीएसटी की वजह से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करोड़ रुपया बचे हैं। बीते 10 वर्षों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं। पीएम सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मिल रहा है। साथियों, मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चे की अच्छी पढ़ाई। इस दिशा में भी पहले की सरकारों ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा। आज हमारी सरकार देश में तेजी के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रही है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में 2 नए कॉलेज बने, प्रतिदिन डेली 2 नए कॉलेज, और हर हफ्ते 1 नई यूनिवर्सिटी बनी है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईएम्स और मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 तक देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उनकी संख्या 10 साल में 700 तक पहुंच गई है। 2014 में पूरे देश में सिर्फ 50,000 एमबीबीएस सीट थी, आज देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। मेडिकल में पीजी की सीटें भी 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। सरकार ने स्थानीय भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो निर्णय लिया है उसका भी फायदा मध्यम वर्ग के बच्चों को मिला है। हमारे मिडिल क्लास परिवारों के हजारों करोड़ रुपए अपने बच्चों को बाहर किसी देश में पढ़ाने में खर्च हो जाते थे। ये पैसे बचे, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। आज दुनिया के एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय यहां भारत आकर अपना अपना कैंपस खोलना शुरू किया है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की मदद के लिए सरकार ने नियमों में भी बदलाव किया है। साथियों, बीते 10 साल में जो नए सेक्टर खोले गए हैं उन्होंने भी मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाए हैं।
स्पेस सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, ड्रोन और मैपिंग सेक्टर हो, इन सबको नौजवानों के लिए खोल दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म करने से हमारे नौजवानों को नए अवसर मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हमने जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ट्रांसपेरेंसी पर जो काम किया उसने भी नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए हैं। अभी हमने जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है उससे भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनने वाले जा रहे हैं, और उसके कारण मध्यम वर्ग का बिजली का बिल जीरो होने वाला है। मध्यम वर्ग का एक और बड़ा सपना होता है शहर में अपना घर, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शहर में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए पहले की सरकारों में एक भी योजना नहीं थी। मध्यम वर्ग के घरों के लिए पहली योजना अगर किसी सरकार ने बनाई तो हमारी सरकार ने बनाई। हमने मध्यम वर्ग के लोगों को घर के लोन में सब्सिडी दी, ब्याज में राहत दी, इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिडिल क्लास परिवारों को मिला है, उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है। साथियों, दिल्ली एनसीआर के लोग जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय कितने फ्लैट फंस गए थे। लोग किराए के घरों में रहते थे, ईएमआई भी भरते थे और अपने घर के पुराने पूरा होने के इंतजार में जीवन पूरा कर रहे थे। मिडिल क्लास के इन परिवारों के भी पहले किसी भी सरकार ने सुनी नहीं थी। हमारी सरकार 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवा रही है ताकि मिडिल क्लास के परिवार को उसका अपना घर मिल जाए, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको मकान मिल जाए, ऐसी परेशानी फिर ना हो। हमने इसके लिए भी रेरा कानून बनाया है। आज करीब 1.25 लाख बिल्डिंग प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। अब कोई ये मनमानी नहीं कर सकता कि किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति का घर फंसा दे या अधूरा छोड़ दे, और ये काम मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बहुत बड़ा राहत का काम है, और ये ही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में रहने वाले लोगों की संपत्तियों की भी चिंता कर रहा है। गांव में प्रॉपर्टी के कागज ना होने की वजह से लोगों की जिंदगी कचहरी के चक्कर काटने में ही गुजर जाती है। जमीन को लेकर झगड़े ना हो, कचहरी का चक्कर ना लगे, गांव की प्रॉपर्टी पर लोन मिले, इन बातों को ध्यान रखकर स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी कहती है कि लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। स्वामित्व योजना के तहत हमने करोड़ों परिवारों को उनके लैंड टाइटल दिए हैं। आज देश के गांव गांव में ड्रोन की मदद से मैपिंग का काम चल रहा है, प्रॉपर्टी के राइट देने का काम चल रहा है, और इससे भी रोजगार के कितने मौके बनते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवरलोडेड फ्लाइट के एडिशनल वेट की तरह देखती थी, लेकिन आज भारत वो पैसेंजर बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल फ्लाइट उड़ान भरने की सोच भी नहीं सकती। अगले 5 साल में भारत वो पायलट बनेगा जो ग्लोबल फ्लाइट को नई बुलंदी की तरफ ले जाएगा। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड एक्सपांशन के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी के होंगे, और ये मोदी की गारंटी है।
आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए सबके बीच बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।